और जनरल सेक्रेटरी के लिए मुझे मुंतखब किया। इंशाल्लाह ताला हम उनकी उम्मीदों के ऊपर पूरा उतरने की पूरी कोशिश करेंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को गली गली गांव गांव इंशाल्लाह ताला इसका झंडा लहराएंगे। स्टेल आ जाएंगे कि जुमरा के लोगों को स्टेल आ जाएंगे सेट पे जनाब इस तरह उन्होंने सेट पे जनाब भी जाके हमारा इस्तेमाल किया। अच्छा मैं इंतहाई उनका मशहूर हूँ और उनको ये बात एडवांस मुबारकबाद देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला आने वाले इंतखाबात में एनए 75 से दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुंतखब होगी। राणा तारिक साहब जनाब राउ साहब मोहतरमा डॉक्टर जुबैदा मलिक साहिबा राणा फरीद साहब शाकिया हुसैन साहिबा और नसीम अख्तर साहिबा और मेरे यहाँ पे पंजाब के भाइयों और बहनों बुजुर्गों और नौजवानों अस्सलाम वालेकुम। आज की पुरमुकाम तकरीब में मैं सबसे पहले तारिक बाजवा साहब को दिल्ली सदर बनने पे और राणा फरीद साहब को दिल्ली जनरल सेक्रेटरी बनने पे दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती हूँ और सबसे ज्यादा मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अहलियाने जुमरा को कि जिनको अल्लाह ताला ने और जिनको पार्टी ने ये दोबारा शर्म बख्शा कि उन्हीं में से उनके एक साथी को यहाँ की सदारत बख्शी। मैं बाजवा साहब के एमएनए बनने के बाद जो इन्होंने यहाँ पे जुमरा में पहला जलसा किया था तब भी यहाँ पे हमेशा ये मेरे भाई हैं इज्जत देते हैं तब भी इन्होंने बुलाया था आज भी इन्होंने यहाँ बुलाया मैं इनकी शुक्रगुजार हूँ। हम हमारे और आपके दरमियान हमारे महबूब का फैसलाबाद जनाब मोहतरम राजा सफदर साहब मेरे बुजुर्गों मेरी बहनों अस्सलाम वालेकुम। हम दरिया का इस सर अपना झुका लेते हैं सच बता रही दुनिया तेरा क्या लेते हैं वक्त की कैद नहीं है ये कर्म की बातें जब सरकार की मर्जी को भुला देते हैं। मेरे दोस्तों ये मुबारक चक जुमरा एनए 75 के हिस्से में आती है जिन्होंने मेरे पे एतमाद करके असेंबली की उस सेवान में भेजा बस पार्टी की उस मेहरबान अल्लाह मगफरत करे मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को जिसने मुझ पे एतमाद करते हुए बाजवा साहब के साथ प्यार की उस इंतहा को छूते हुए ये फखर की बात थी। जब टिकटें बांटी जा रही थी इंग्लैंड में तो मैं आपसे गुजारिश करता चलूं कुछ मेहरबान हमारे थे जिन्होंने मेरी मुखालफत करते हुए कहा था कि ये हलका हारने वाला है जीतने वाला नहीं अगर तारिक बाजवा को टिकट मिलेगा वो तो इलेक्शन नहीं जीत सकेगा। मोहतरमा ने सिर्फ ये जुमला कहा कि कुछ सीटें हारने के लिए नहीं होती फिर वो टिकट चौधरी गुलाम मुस्तफा बाजवा की पैर तारिक बाजवा को मिला और ये फखर इस बात में मैं कह रहा हूं कि मोहतरमा ने उसी वक्त कहा मेरी गुलाम मुस्तफा बाजवा साहब से बात करो और इंग्लैंड में बैठे हुए फिर हमारे सीनियर सदर जनाब राणा मुश्ताक साहब ने टेलीफोन पे मेरा नंबर बुला के दिया फखर इस बात पे उस शहीद की कार जाबाई को मैं अटेंड करने वाला था मेरे से बात नहीं तो बाजवा साहब को सलाम कहते हुए कहने लगी आपको मुबारक हो ये
یہ وہ مبارک تھی جو اللہ پاک نے ایم اے 75 کے حصے میں لکھی تھی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ ایم اے 75 کا جنرل الیکشن ہوتا ہے 2008 میں. اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان پیپلز پارٹی ٹاپ کرتی ہے پنجاب میں. 86,000 ووٹ لے کے پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں ٹاپ کرتی ہے, جسے کہا جاتا تھا کہ یہ حملہ ہارنے کے لیے ہے, جبکہ اعتماد ہوتا ہے پارٹی کے اپنے کارکنوں پر تو میرا اللہ اسباب پیدا کر دیتا. تو میرے دوستو, آج یہ جو صدارت مجھے ملی ہے جنا کی, یہ آپ لوگوں کی تفیل ہے, یہ چک جمرہ کے لوگوں کی دعاؤں کی تفیل ہے, اس ایم اے 75 کے حلقہ کی تفیل ہے. میں ہر کو آج بھی کہتا ہوں, میں قسم دے کے کہہ سکتا ہوں, اگر میں نے کسی کو یہ کہا کہ مجھے صدارت دی جائے, یہ میرے اللہ کا کرم ہے, میری پارٹی کا میرے پہ اعتماد ہے. بہت مانگنے والے تھے اس صدارت کی دوڑ میں, بہت لوگ تھے, بلکہ یاد رکھنا کہ میں نے بھی کسی دوست کا کہا دیا تھا, حاجی فیاض کو کہا تھا کہ یہ میری اس دوست کی خواہش آبادی ان کو بنا دے. ایک وقت آیا کہ جب اتفاق ہو گیا تو 6-7 ماہ میں نے خود اس پہ روکا, اس لیے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ جب میں صدر بنوں تو اختلاف ہو, کوئی میرا بھائی کوئی دوست جنہیں کا میرے پہ اختلاف کرے.